जय हिंद। इस वीडियो में टेक चार्ज सेक्टर के एक छोटी सी कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी पर बात करेंगे। आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस कंपनी में फंसे हुए हैं तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। साथ में यह भी बताऊंगा कि वो कौन सी गलती है जो दोबारा आपको नहीं दोहरानी है, ताकि दोबारा इस तरह की कंपनी में आप ना फंस पाएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जो सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, यह आपको पता है कि गुजरात बेस्ड कंपनी है और टेक्सटाइल तथा यार्न के सेल्स और मैन्युफैक्चर का कंपनी काम करती थी। देखिए मार्केट कैप है 480 करोड़ रुपया। मार्केट कैप के लिहाज से आपको अंदाजा लग गया होगा कि पेनी स्टॉक, लेकिन पेनी स्टॉक में थोड़ी ऊपरी लेवल की कंपनी है, क्योंकि 480 करोड़ कोई छोटा वैल्यूएशन नहीं होता है। लेकिन दिक्कत यह कि इस कंपनी के जो मार्केट कैप है, इससे अधिक इसके ऊपर कर्जा था, जिसकी वजह से दिवालिया हो गई। अब समझिए, शेयर प्राइस है 7.80 रुपये और 7.80 रुपये तक ही रह सकता है या धीरे धीरे जीरो भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी इसमें ट्रेडिंग बंद है। अब समझिए, हाई लगा चुका है 20 रुपया। इसी साल जनवरी में इसने अपना हाई लगाया था 20 रुपये का। अब जो लोग अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल गए वो तो सौभाग्यशाली थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंस गए। तो खैर चिंता की कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आगे करना क्या। समझिए, अभी 21 मार्च से देखेंगे तो इस कंपनी में ट्रेडिंग बंद कर दिया गया है, अर्थात NSE और BSE पर इसमें ना कोई ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। मतलब आप इस कंपनी के शेयर ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। क्यों ट्रेडिंग बंद है? क्योंकि आपको पता है यह कंपनी दिवालिया हो चुकी है। दिवालिया हो चुकी है इसलिए कंपनी को अब इसमें ट्रेडिंग बंद कर दिया गया और इसके आगे की जो प्रोसेस है उसको चालू किया गया। समझिए, पहले यह जानिए कि कंपनी दिवालिया हो ही क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हाई डेब्ट था, कर्जा बहुत अधिक ले लिया था कंपनी ने। इसने 7,534 करोड़ रुपए का कर्जा 17 अलग अलग कर्जदाताओं से लिया था। अब देखिए 7,534 करोड़ का जो कर्जा है, इसके मार्केट कैप से बहुत अधिक है। और जब भी कोई कंपनी या व्यक्ति अपने अवकाश से अधिक कर्जा ले लेता है तो उसका डूबना, उसका बर्बाद होना, उसका दिवालिया होना तय माना जाता है। अब समझिए, दिक्कत क्या है कि इस कंपनी ने जो 7,534 करोड़ रुपए का कर्ज 17 अलग अलग कर्जदाताओं से उठाया, तो इसकी प्रबल संभावना है कि इसके जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो डायरेक्टर्स थे, उन लोगों ने इस रुपयों का यूटिलाइज सही जगह पर नहीं किया। अगर ये लोग इस पैसे का उपयोग सही तरीके से करते, देखिए कर्जा अधिक लेना खराब नहीं है, दूसरी बात जो भी हो, अब इन लोगों ने इतने हैवी अमाउंट ले लिया, नहीं चुका पाया, तो यह कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी है। अब ऐसे में आगे क्या हो सकता है? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसका जो बुक वैल्यू है 25 रुपया है, और बुक वैल्यू का मतलब यह होता है कि जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसके निवेशक होते हैं, उनको रुपया लौटाया जाता है। लेकिन अभी तक देखेंगे सेबी की तरफ से कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है कि जो इसके जिसका जिस व्यक्ति का इसमें निवेश है, जो लोग इस कंपनी के शेयर को खरीद के बैठे हुए हैं, जब इस कंपनी का शेयर प्राइस जीरो हो जाएगा या कंपनी दिवालिया हो चुकी है और डिलीस्ट होने जा रही है, तो अब उनके लिए क्या किया जाएगा, उनका क्या होगा? सेबी की तरफ से इसके लिए कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है। समझ, इसके पीछे का लॉजिक कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री इस कंपनी को, सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी को एक्वायर करने जा रही है 3,650 करोड़ में। एक गणित पहले आप अभी तुरंत यहां समझ लीजिए, उसके बाद आगे की बात आपको मैं बताता हूं। 3,650 करोड़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी को खरीदने जा रही है और इसके ऊपर कर्जा कितना है 7,534 करोड़ रुपए का। आपको नहीं लगता कि मुकेश अंबानी को यह जो कंपनी बेहद सस्ता मिल जा रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, 3,650 करोड़ में यह कंपनी को खरीदने जा रहे हैं, लेकिन ये जो कर्जा है ना, तो इसका जो मार्केट कैप है 500 करोड़ का, इसके अलावा कंपनी है तो इसके पास कुछ रुपये की संपत्ति होगी, इसमें जो भी थोड़े बहुत प्रमोटर्स थे उनकी कुछ हिस्सेदारी होगी, उनके पास कुछ रुपया होगा। तो ये सब जब कंपनी दिवालिया हो जाए तो ये जो कंपनी की खुद की संपत्ति होती है, जो मार्केट वैल्यूएशन है, जो पहले से थोड़ा बहुत रिजर्व होगा, सब बेच कर पहले कर्जा चुकाया जाता है। कर्जा चुकाने के बाद मुकेश अंबानी इतने रुपये में इस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं, तो ये आप मत सोचिएगा कि कर्जा इतना और मुकेश अंबानी को बेहद कम प्राइस में यह कंपनी मिल जा रही है, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात समझिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। रुचि सोया कंपनी का अभी FPO चल रहा है, आपको आपने रुचि सोया का नाम जरूर सुना होगा। यह कंपनी भी दिवालिया हो चुकी थी, बाद में बाबा रामदेव ने इस कंपनी को खरीदा और अभी मार्केट में उड़ान भरने के लिए कंपनी तैयार है। तो जिन लोगों ने भी पहले से रुचि सोया कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और जब यह कंपनी दिवालिया हो गई, तो उनके लिए उनका भी हाल अभी जैसे इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का था अभी है, वैसे भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स का भी हुआ होगा, लेकिन अब वो लोग निश्चिंत होंगे क्योंकि बाबा रामदेव ने उस कंपनी को खरीदा और कंपनी अभी शेयर बाजार में उड़ान भर रही है, तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी कोई तनाव नहीं होगा। आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अभी आप भले तनाव में है कि कंपनी डिलीस्ट हो गई है, शेयर प्राइस जीरो होने जा रहा है, आपका क्या होगा, लेकिन जब मुकेश अंबानी इस कंपनी को खरीद रहे हैं, अब खरीदने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी, तो फिर आपका जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो तो बना ही रहेगा। और एक बार दोबारा जब यह कंपनी दूसरे नाम से शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी तो कंपनी का ट्रेडिंग इसमें चालू कर दिया जाएगा, शेयर प्राइस अप एंड डाउन होने लगेगा जैसे शेयर बाजार में होता है, उसके बाद जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको मुनाफा होगा, जहां वहां आप बेच के निकल जाइएगा। लेकिन फिलहाल तो आप इसमें फंसने में आप कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। क्या दिक्कत है? गलती हुआ है कि हम सही समय पर निकल नहीं पाए। जो लोगों ने अभी हाल फिलहाल में अगर इस कंपनी के शेयर्स को खरीदा होगा तो उन लोगों ने तो जानबूझ के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा होगा, उन लोगों ने यह नहीं देखा कि मार्केट कैप उससे अधिक कंपनी के ऊपर कर्जा, हमें इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, लेकिन जानबूझ के लोगों ने इसमें एंट्री ली। दूसरी बात, सिंटेक्स इंडस्ट्री कंपनी के जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं उसके तरफ से भी इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री को खरीदने के लिए अप्रूवल मिल चुका है,
और साथ में बैंक करप्ट हो चुका है कंपनी, तो उसके लिए भी एनसीएलटी की तरफ से, जब आपको पता है जो जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसके असेट्स का क्या करना होता है, उसके लिए यह जो विवाद होता है जाता है एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, वहां पर इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब समझिए, मुकेश अंबानी जब इस कंपनी को खरीदने के लिए एक्वायर अर्जी डाल चुके हैं और पूरा प्रक्रिया जारी है, तो डिलिस्टिंग की इसकी जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जब कोई कंपनी डिलिस्ट हो जाती है मतलब दिवालिया होने के बाद, तो उसके बाद धीरे धीरे उसका प्राइस सामान्यतः जीरो हो जाता है, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने भी कहा है कि प्राइस जीरो हो जाएगा। अब आगे क्या हो सकता है समझिए, एक बार तो यह कंपनी पूर्ण रूप से डिलिस्ट हो, दोबारा जब मुकेश अंबानी इस कंपनी को एक्वायर पूर्ण रूप से कर लेते हैं उसके बाद यह कंपनी दोबारा रिलिस्ट होगी, जब दोबारा रिलिस्ट होगी शेयर मार्केट में फिर से यह कंपनी वापस दूसरे नाम से आ जाएगी, तो उसके बाद फिर से इसमें ट्रेडिंग चालू कर दिया जाएगा, शेयर प्राइस अप डाउन जाने लगेगा, ऊपर जाएगा, वहां पर आपको जब मुनाफा होगा बेच के निकल जाएगा। आपको डरना घबराना नहीं है, आपका पैसा डूबने नहीं जा रहा है, बर्बाद होने नहीं जा रहा है। उम्मीद करता हूं मैंने जितनी बातें बताई आपको समझ में आ रही होंगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।